हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसाइकल व्यू के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि रिसाइकल व्यू क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि व्यू होल्डर्स क्या होते हैं, अडाप्टर्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि जावा में थी, ये वाली वीडियो कॉटलिन में होने वाली है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि उसको भी देखें, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ रिसाइकल व्यू। तो रिसाइकल व्यू एक व्यू ग्रुप है जो कि आपके व्यूज़ को एक लिस्ट की फॉर्म में शो करता है। तो जहाँ पे भी मुझे लिस्ट शो करनी होगी तो वहाँ पे मैं रिसाइकल व्यू का यूज़ करूँगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो आपने डिफरेंट ऐप्स के अंदर इस तरीके की लिस्ट देखी होगी। तो हर आइटम के लिए मेरे पास एक इमेज व्यू है और ये दो टेक्स्ट व्यू हैं और एक और इमेज व्यू है। सिमिलरली दूसरे आइटम के लिए भी मेरे पास यही है, तीसरे आइटम के लिए मेरे पास यही है, एंड सो ऑन। तो ये एक सिंपल लिस्ट का एग्जाम्पल है। तो ये एक दूसरी लिस्ट है जिसमें यहाँ पर एक इमेज व्यू है और ये डिफरेंट टेक्स्ट व्यूज़ है हमारे पास, ये भी इमेज व्यू है, ये भी एक और इमेज व्यू है। तो इस तरीके से हर आइटम के लिए हमारे पास ये व्यूज़ डिस्प्ले होंगे और ये हमारी एक लिस्ट है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास एक जेसन डेटा है जिसके अंदर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर भी टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। इसके लिए हमारे पास व्यूज़ रेंडर होंगे यहाँ पे, मतलब ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं। हर व्यू के अंदर हमारे पास टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। तो इस तरीके से रिसाइकल व्यू काम करता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक व्यू रेंडर होगा। तो अब बात आती है कि रिसाइकल व्यू का ही क्यों यूज़ करें, कोई और तरीका नहीं है, मतलब इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हमारे पास सिर्फ इतना ही डेटा है तो कोई इशू नहीं आएगा, इसको हम लीनियर लेआउट की मदद से भी शो कर सकते हैं। बट सपोज़ मेरे पास यहाँ पे 20,000 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको मुझे लिस्ट की फॉर्म में शो करना है। अगर मैं इसको लीनियर लेआउट वाली अप्रोच से चलूँगा तो क्या होगा कि मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि हर ऑब्जेक्ट के लिए व्यू बना के रख दिए। अब वो व्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पर अभी विजिबल ही नहीं है, मतलब सपोज़ 20,000 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मेरी स्क्रीन पर बहुत देर में आएगा। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन गए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी मेमोरी वेस्टेज हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिसाइकल व्यू है। तो देखते हैं रिसाइकल व्यू ने कैसे सॉल्व करी है प्रॉब्लम। तो करंटली हमारी स्क्रीन पे सिर्फ इतने ही व्यूज़ दिखेंगे, मतलब बेस्ड ऑन योर मोबाइल साइज़ कुछ सेट ऑफ व्यूज़ ही दिखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो रिसाइकल व्यू ने क्या किया, जैसे ही बंदा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा तो ये वाले व्यूज़ जो है हमारे स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे। तो रिसाइकल व्यू ने क्या किया, जो व्यूज़ स्क्रीन से बाहर गए हैं उनको उठा के वापस नीचे की तरफ लगा देगा। तो वो उन व्यूज़ को रिसाइकल कर रहा है। तो इसको एनिमेशन से समझते हैं। तो सपोज़ यूज़र ने ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया तो ये वाला जो व्यू है हमारा ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। रिसाइकल व्यू ने क्या किया, जैसे ये स्क्रीन से बाहर जाएगा तो उसको वो नीचे की तरफ जाके लगा देगा और ये हमारी लिस्ट ऊपर की तरफ हो जाएगी और ये नीचे जाके सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिसाइकल व्यू जो है वो रिसाइकल करता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन से बाहर जाते जाएंगे उनको वो नीचे जाके लगाता रहेगा। तो जितने भी हमारी स्क्रीन पर विजिबल होंगे ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और वो बार बार रिसाइकल होते रहेंगे। तो इस तरीके से रिसाइकल व्यू काम करता है। तो एक बार एनिमेशन इसका दोबारा से देखते हैं। सपोज यूजर ने ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया तो ये वाला जो व्यू है हमारा ये नीचे आके लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो व्यूज़ हैं वो रिसाइकल होते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि व्यू होल्डर्स क्या होते हैं। तो रिसाइकल व्यू को काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक होता है व्यू होल्डर और एक होता है अडैप्टर। तो व्यू होल्डर क्या होते हैं, जितने भी आपने व्यूज़ क्रिएट किए हैं, मतलब जितने भी आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग व्यूज़ चाहिए होंगे, तो वो हम व्यू होल्डर के अंदर डाल के रख देंगे। मतलब हमें ये वाले व्यूज़ तो बनाने ही पड़ेंगे, जो भी मेरी स्क्रीन पे विजिबल हैं वो वाले व्यूज़ तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। तो उन व्यूज़ को बनाने के बाद हम लोग उनको व्यू होल्डर में स्टोर कर देते हैं। तो व्यू होल्डर क्या है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे व्यूज़ को स्टोर करके रखेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्यू होल्डर क्या करता है, हमारे व्यूज़ को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसका नाम है व्यू होल्डर। तो रिसाइकल व्यू क्या करता है, इनकी मदद से हमारे व्यूज़ को रिसाइकल करता है। तो जितने हमारी स्क्रीन पे व्यूज़ दिखेंगे उतने हमारे पास व्यू होल्डर्स होंगे। तो ये हमारा एक मेथड होता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, जो हमारे को व्यू होल्डर बना के देता है और उसके अंदर व्यू स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑरेंज वाला जो है वो व्यू होल्डर है, मतलब हर व्यू के लिए हमारे पास एक व्यू होल्डर है। अब हमें इसके अंदर डेटा भी बाइंड करना है, मतलब हर व्यू के अंदर हमारे पास डेटा होगा। यहाँ पे इसका टाइटल आएगा, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, मतलब बेस्ड ऑन दी पोजीशन, मतलब वो लिस्ट में किस जगह पे है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेटा बाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग मेथड है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा डेटा बाइंड करता है। अब मेरे पास व्यू के जो ऑब्जेक्ट हैं वो इतने ही रहने वाले हैं। अब यूज़र ने काफ़ी स्क्रॉल कर दिया ऊपर की तरफ, तो वो जो पोजीशन है उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे डेटा दिखाना होगा। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करेगा, उसको एक पोजीशन मिलेगी और एक व्यू होल्डर मिलेगा, उसके बेसिस पे वो उसमें डेटा बाइंड कर देगा। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर का काम क्या है, डेटा को बाइंड करने का। तो रिसाइकल व्यू इन दोनों मेथड का यूज़ करता है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर और ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है, वो सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट्स बनाता है जितने हमारी स्क्रीन के लिए ज़रूरत है। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है, बेस्ड ऑन दी पोजीशन वो हमारे व्यूज़ में डेटा बाइंड करता है। तो ये था हमारा व्यू होल्डर्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि अडेप्टर्स क्या होते हैं।
तो अडेप्टर्स एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक फॉर्म ऑफ डेटा को हमें दूसरी फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग अडेप्टर्स का यूज़ करते हैं। तो अडेप्टर क्या करता है, हमारे डेटा को अडेप्ट कराता है जिससे रिसाइकलर व्यू से कंज्यूम कर पाए। मतलब रिसाइकलर व्यू को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए डेटा का, तो अडेप्टर क्या करेगा, हमारे डेटा को लेगा और उसको अडेप्ट करके रिसाइकलर व्यू को दे देगा। तो रिसाइकलर व्यू क्या करता है, बार बार अडेप्टर से कहता है कि लाओ डेटा दो, जिससे उसको शो कर सके। तो रिसाइकलर व्यू इस अडेप्टर की मदद से ही हमारे डेटा को शो कर पाता है। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो कि हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, यहाँ पे हम अडेप्टर्स का यूज़ करते हैं। सपोज़ ये वाला जो अडेप्टर है वो इसके अंदर फिट नहीं हो सकता, तो हमने एक छोटा सा अडेप्टर लगा दिया इसके आगे। अब क्योंकि हमारे फ़ोन को डीसी चाहिए होती है, तो ये वाली जो हमारी एसी वाली वोल्टेज है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है, जिससे वो डीसी में कन्वर्ट हो जाए और हमारे फ़ोन जो है चार्ज हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग अडेप्टर्स का यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। तो ये था हमारा रिसाइकलर व्यू के बारे में, तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर हम लोग रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे। तो ये मेरी मेन एक्टिविटी है, इसकी लेआउट फाइल पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है, तो इसको यहाँ से मैं कोलैप्स कर देता हूँ और इसके डिज़ाइन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन के अंदर मेरे पास रिसाइकलर व्यू का ऑप्शन है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे डाउनलोड का आइकन भी आ रहा है। तो क्या होता है कि रिसाइकलर व्यू जो है वो एज ए थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ऐड होती है, मतलब ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करने के लिए मुझे अपनी ग्रेडल फाइल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं उसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको अपनी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ये ऑटो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे पूछ रहा है कि आप रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हो कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडल प्रोजेक्ट जो है वो सिंक हो रहा है, क्योंकि हमने एक नई एंट्री करी अपनी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में। तो अपनी ग्रेडल फाइल पे चलते हैं, देखते हैं क्या चेंज हुआ है। तो ये बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल ऐप वाली खोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंट्री हो गई है रिसाइकलर व्यू की, मतलब अब मैं रिसाइकलर व्यू को यूज़ कर सकता हूँ। तो वापस अपने लेआउट पर ही चलते हैं, इसको यहाँ से कोलैप्स ही कर देता हूँ, कोड पर चलते हैं यहाँ से। तो इसको मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, रिसाइकलर व्यू को हम लोग रूट लेवल का व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिसाइकलर व्यू और यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, सॉन्ग लिस्ट। तो ये हमारी एक्टिविटी का लेआउट तैयार हो चुका है। तो क्या होता है, मुझे अपनी आइटम के लिए व्यू भी बनाना पड़ेगा, मतलब लिस्ट के अंदर जो आइटम्स डिस्प्ले होंगी उसका एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो इसको पिक्चर की फॉर्म में बताता हूँ। तो क्या होता है, हमने अपना व्यू ग्रुप तो ऐड कर दिया है, मतलब हमने रिसाइकलर व्यू ऐड कर दिया है, बट मुझे इसका व्यू भी बनाना पड़ेगा, मतलब अपनी आइटम का भी व्यू बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मेरे को दो टेक्स्ट व्यू शो करने हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाते हैं, रेस्ट के अंदर लेआउट फाइल में मैं एक नई लेआउट फाइल ऐड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा आइटम व्यू और इसको मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट कर देता हूँ। तो ये हमारा सिंपल लीनियर लेआउट है जिसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है। इसको स्प्लिट कर देते हैं और इसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू ट्रैक कर देता हूँ मैं। तो ये हमने सिंपल दो टेक्स्ट व्यू बना दिए, इसको मैं आईडी दे देता हूँ TXT टाइटल, इसको भी आईडी दे देते हैं TXT डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे कोई भी आईडी दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रैप कंटेंट दे देता हूँ, इसकी जो हाइट है वो हमारी रैप कंटेंट होनी चाहिए, मतलब आइटम जो है वो ऐसी दिखनी चाहिए। तो अगर मैं इसको मैच पैरेंट ही रहने देता हूँ तो आपकी पूरी स्क्रीन पे आपका एक व्यू आएगा, तो वो हम चाहते नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको रैप कंटेंट कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ इसका। तो यहाँ पर मैं हेडलाइन वाला सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर बॉडी वन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी लेआउट तैयार हो चुकी है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं 16 dB की पैडिंग दे देता हूँ और ग्रेविटी दे देते हैं इसके अंदर सेंटर वर्टिकल। तो इसका डिज़ाइन देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का डिज़ाइन दिख रहा है हमारा। तो ये हमारी आइटम का लेआउट है जो हमने डिज़ाइन किया है। तो वापस कोड पे चलते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि रिसाइकलर व्यू को काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है अडेप्टर और एक होता है व्यू होल्डर। तो उसकी क्लास बनाते हैं। तो ये हमारी दो क्लासेस हैं, ये हमारी अडेप्टर की क्लास है, मतलब इसमें भी कुछ चेंजेस करेंगे। सिमिलरली ये हमारी व्यू होल्डर की क्लास है। तो जैसा कि मैंने बताया था, व्यू होल्डर जो होते हैं वो हमारे व्यूज़ को स्टोर करते हैं, मतलब जब भी हमारा व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बने तो हम उसमें व्यू पास करेंगे कि भैया ये लो तुम्हारा व्यू, इसको होल्ड कर लो। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हमें व्यू पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले इनहेरिट करता हूँ व्यू होल्डर क्लास से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू होल्डर आ रहा है यहाँ पर, जो कि रिसाइकल व्यू वाले पैकेज के अंदर है। तो इसको मैं इनहेरिट कर लूँगा इससे और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है, तो इस पर होवर करता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि आपको एक आइटम व्यू चाहिए जो आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटर होगा, मतलब व्यू होल्डर को व्यू चाहिए होगा जिसको वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो इसके कंस्ट्रक्टर में व्यू ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम व्यू होल्डर की क्लास बनाते हैं, उसके बाद अडेप्टर क्लास को सही करते हैं। तो इसको भी मुझे अडेप्टर वाली क्लास से इनहेरिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको इनहेरिट करता हूँ अडेप्टर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास जो कि रिसाइकल व्यू वाले पैकेज के अंदर है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये हमारा जेनरिक टाइप का है, तो यहाँ पे मुझे अपनी व्यू होल्डर क्लास पास करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ, तो जब भी मुझे अडेप्टर बनाना होगा तो मैं इस क्लास से इनहेरिट करूँगा, उसके अंदर अपना व्यू होल्डर पास करूँगा जो भी मैंने अपना व्यू होल्डर बनाया है। तो इस अडेप्टर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो हमें ओवरराइड करने हैं, तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और इंप्लीमेंट मेंबर्स पे क्लिक करता हूँ, तो इन तीनों मेथड को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन मेथड्स हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। तो इस वाले मेथड को उठा के नीचे रख देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर की। तो आई होप आपको इस मेथड का मतलब पता होगा, ये हमारे व्यू होल्डर क्रिएट करता है और उसके अंदर व्यू को स्टोर करवाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एक व्यू बनाना है। व्यू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो व्यू बनाने के लिए हमें एक लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास होती है, उसका यूज़ करेंगे हम। लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है, वो आपकी XML फाइल को एक जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब हमने जो लेआउट बनाया था अपनी आइटम के लिए, वो जो था वो XML फॉर्मेट में डिफाइन किया है। मतलब ये वाला जो हमारा आइटम व्यू है, ये हमने XML फॉर्मेट में डिफाइन किया था, तो यहाँ पे आप इसकी XML देख सकते हो। तो लेआउट इन्फ्लेटर क्लास क्या करती है, इस XML को कन्वर्ट करती है जावा ऑब्जेक्ट में, तो वही हमें चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इन्फ्लेटर नाम देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं लिखूँगा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे अपना व्यू बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल व्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे रिसोर्स आईडी मांग रही है, हमारे लेआउट की जो आईडी है वो मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है उसका रूट कौन सा होने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर डॉट लेआउट डॉट आइटम व्यू, क्योंकि ये हमारी आइटम का व्यू है जो हमने डिज़ाइन किया था, तो यहाँ पे हम उसको पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं पेरेंट पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं फॉल्स पास करूंगा। तो ये हमारा व्यू मिल गया हमें, अब इसको हमें व्यू होल्डर में स्टोर कराना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कराता हूँ माय व्यू होल्डर और इसके अंदर इस व्यू को पास कर दूंगा। तो एक बार दोबारा से समझते हैं इस मेथड के अंदर हमने क्या किया है। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है, वो हमारे लिए व्यू होल्डर बनाता है। व्यू होल्डर के अंदर हम लोग व्यू स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, एक लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाया है। लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है, वो आपकी XML फाइल को लेता है और जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट किया और हमने यहाँ पे अपना व्यू पास कर दिया जो हमने बनाया था अपनी आइटम के लिए, तो उसने मुझे एक व्यू रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने माई व्यू होल्डर क्लास का यूज़ किया है, जो कि ये हमारी क्लास है। इसके अंदर हमें व्यू पास करना था जिसको वो होल्ड करेगी। तो यहाँ पे हमने व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने व्यू पास किया है। तो ये तीन चीज़ें करी हमने इसके अंदर। उसके बाद गेट आइटम काउंट पे चलते हैं। अब अडेप्टर का काम क्या था, हमारे डेटा को रिसाइकल व्यू तक पहुँचाने का काम है। तो यहाँ पे मुझे डेटा एज एन इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए एक लिस्ट बना देता हूँ सॉन्ग्स नाम की, इसको मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बता देता हूँ। तो ये हमारी एक सॉन्ग्स की लिस्ट है जो हमें इनपुट में मिलेगी। तो गेट आइटम काउंट से हम लोग ये रिटर्न करते हैं कि रिसाइकल व्यू में कितने आइटम्स हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ सॉन्ग्स डॉट साइज। तो गेट आइटम काउंट जो है वो आइटम्स का काउंट बताता है कि हम लोग कितनी आइटम शो करने वाले हैं अपने रिसाइकल व्यू में। तो उसके बाद इस वाले मेथड की बात करते हैं, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास व्यू होल्डर बन चुके थे इस मेथड के अंदर, अब उसके अंदर हमें डेटा बाइंड करना है। तो डेटा बाइंड करने के लिए हम लोग ये वाले मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे होल्डर मिल रहा है और पोजीशन मिल रही है। तो इस व्यू होल्डर के अंदर जो व्यू है उसमें मुझे डेटा बाइंड करना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ रेफरेंसेज बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट व्यू के रेफरेंसेज स्टोर करके रख लेता हूँ, जिससे मुझे बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी ना करना पड़े। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर टेक्स्ट टाइटल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट टाइटल। सिमिलरली हम लोग डिस्क्रिप्शन के लिए भी यही कर देंगे। तो इस वाले मेथड में हम लोग अपने व्यू में डेटा बाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसके रेफरेंसेज जो हैं स्टोर करके रख लिए, जिससे मुझे ये बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी ना करना पड़े। तो यहाँ पे अभी के लिए टाइटल ही सेट करा देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ होल्डर डॉट टेक्स्ट टाइटल, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूंगा जिसको मेरे को सेट कराना है। तो जो भी हमारा डेटा वो इस वाली लिस्ट के अंदर है, तो यहाँ पे मैं इसको रेफर करूँगा सॉन्ग्स, और यहाँ पे इसके अंदर पोजीशन पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को बाइंड करते हैं। तो ये थी हमारी अडेप्टर की क्लास और व्यू होल्डर की क्लास। तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब क्या होता है, व्यू होल्डर जो है वो अकेले से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब इसका अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो इस अडेप्टर के साथ ही जाता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको नेस्टेड क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नेस्टेड क्लास बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से लोग नेस्टेड क्लास बनाते हैं, क्योंकि जो माई व्यू होल्डर क्लास है वो बिना अडेप्टर के चलेगी ही नहीं। तो ये हमारा अडेप्टर तैयार हो चुका है, तो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सॉन्ग्स की लिस्ट बना लेता हूँ जो हम डेटा शो करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये मेरी एक सॉन्ग्स की लिस्ट है जो हम शो करेंगे अपने रिसाइकल व्यू में। तो अपने अडेप्टर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में ये सॉन्ग्स लिस्ट बनाई थी, सॉन्ग लिस्ट
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे पूछ रहा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन से लेना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉट अडेप्टर, और यहाँ पे हम ना माई अडेप्टर को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमें सॉन्ग्स भेजने हैं, तो यहाँ पे मैं सॉन्ग्स भेज देता हूँ। तो ये हमारा अडेप्टर सेट हो चुका है। तो उसके बाद हमें रिसाइक्लर व्यू पे एक लेआउट मैनेजर भी सेट करना होता है कि हम आइटम्स को किस तरीके से दिखाने वाले हैं, ग्रिड की फॉर्म में दिखाने वाले हैं, वर्टिकली दिखाने वाले हैं, हॉरिजॉन्टली दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लेआउट मैनेजर सेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ सॉन्ग लिस्ट डॉट लेआउट मैनेजर, और उसके बाद इसको मैं असाइन करूँगा लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग रिसाइक्लर व्यू पे ये दोनों चीज़ें सेट करते हैं। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप एक रिसाइक्लर व्यू बनाएं तो उस पर लेआउट मैनेजर ज़रूर सेट करें। तो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट रेंडर हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, जिससे हम लोग इसको स्क्रॉल कर पाएँ। तो इस तरीके से हम लोग रिसाइक्लर व्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन सेट नहीं किया था, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ही लिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिसाइक्लर व्यू पे काम करते हैं। तो इसको भी सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करते हैं, सॉन्ग नाम देता हूँ इसमें, और इसे हम डेटा क्लास बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग टाइटल लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, सिमिलरली इसके अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन लेंगे, ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये मैंने एक डेटा क्लास बनाई है, हमारी मॉडल क्लास है जो हम शो करने वाले हैं अपने रिसाइक्लर व्यू में। तो मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। तो हमारा जो अडेप्टर है वो सॉन्ग्स की लिस्ट लेता है, मतलब वो स्ट्रिंग की लिस्ट लेता है। तो इसको मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारा लिस्ट ऑफ सॉन्ग लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर देने लग गया है, क्योंकि अभी तक ये स्ट्रिंग था तो कोई एरर नहीं आ रही थी, बट अभी ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट टाइटल, सिमिलरली यहाँ पर मैं होल्डर डॉट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन सेट करूँगा, सॉन्ग्स पोजिशन डॉट डिस्क्रिप्शन, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स ले लिया मैंने। पहले यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन करी थी कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स पास करेंगे, बट यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है। तो यहाँ पे हमें सॉन्ग के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग्स के ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ। तो ये हमारे सॉन्ग्स के ऑब्जेक्ट हैं जो हमें अपने रिसाइक्लर व्यू में शो करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ यहाँ से सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट, और इसको अब दोबारा से रन करते हैं। तो अब डिस्क्रिप्शन भी सेट हो जाएगा, सिंपल है, मैंने कुछ किया नहीं है। हमने अडेप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे हम लोग स्ट्रिंग के ले रहे थे, बट अब वो सॉन्ग के ले रहे हैं। जनरली क्या होता है कि वाला जो डेटा होता है या तो हमारे डेटाबेस से आता है या नेटवर्क से आता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए इसको देखते हैं क्या आउटपुट आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन भी बाइंड होने लग गया है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बाइंड करते हैं। तो ये हमारा रिसाइक्लर व्यू है, तो इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, एक और चेंज करते हैं। तो अपने अडेप्टर फाइल पर जाता हूँ मैं। तो ये वाला जो हमारा मेथड है इससे हम लोग डेटा बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो अपने व्यू पे जाता हूँ, तो यहाँ पे इस कंटेनर को एक आईडी दे देते हैं कंटेनर, और अपने अडेप्टर पे चलते हैं। यहाँ पे इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, वेयर कंटेनर आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट एक्सेस करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे मैं आईडी दूंगा आर डॉट आईडी डॉट कंटेनर। तो ये वाला जो हमारा आइटम व्यू है वो हमारे इस वाले व्यू को पॉइंट करता है। तो ये वाला जो कंटेनर है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमने लीनियर लेआउट को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कलर डिफाइन करता हूँ, वेयर कलर, और यहाँ पे मैं एक रैंडम कलर असाइन कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ पोजीशन जो है हमारी मॉड टू इक्वल टू जीरो है, मतलब वो एक इवन है पोजीशन, तो अगर हमारी इवन पोजीशन होगी तो यहाँ पे मैं कलर दूसरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लिखा है मैंने कि अगर इवन पोजीशन है तो ये वाला कलर दिखेगा, अगर ऑड पोजीशन है तो ये वाला कलर दिखेगा। और यहाँ पे हम उसका कलर सेट कर देंगे डॉट कंटेनर डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर डॉट पार्स कलर, और इसके अंदर हम लोग अपना कलर पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ऑड वाली पोजीशन है उनका डिफरेंट कलर आ रहा है, और जो हमारी इवन वाली पोजीशन है उनका कोई और कलर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कलर्स भी सेट कर सकते हैं अपने लेआउट के अंदर। तो ये था हमारा रिसाइक्लर व्यू के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्लिक हैंडलिंग करेंगे, इमेजेस रेंडर कराएंगे। इसका जो डेटा है हम लोग एक थर्ड पार्टी एपीआई से लाने वाले हैं, जो हमारी न्यूज़ की एपीआई है। तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज़। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।